हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज से हम शुरुआत करेंगे हिस्ट्री की। ये जो हिस्ट्री है ये हम करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक से, और ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूज़फुल रहेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर सीटेट लिख दिया है तो सिर्फ सीटेट के लिए यूज़फुल रहेगी, सभी एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल रहेगी, चाहे टीचिंग एग्ज़ाम्स हो चाहे नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स हो, जिसमें भी सोशल साइंस या फिर जी एस जी के कुछ भी पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये हिस्ट्री यूज़फुल रहेगी। मैंने इसमें कंप्लीट फैक्ट्स इंक्लूड किए हैं जो भी आपके चैप्टर में दिए हुए हैं। तो अगर बात करें हम हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री बेसिकली एक बोरिंग सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है। तो उसके कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि उसमें काफ़ी सारी डेट्स होती हैं जिनको हमें याद करना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी घटनाएँ होती हैं जिनको याद रखना पड़ता है कि कौन सी घटना कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको बोर कर जाती हैं और आपका पढ़ने का मन नहीं करता। बेसिकली अगर आप एनसीईआरटी उठा करके देखें तो एनसीईआरटी अगर पढ़ने लगोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दो चैप्टर पढ़ेंगे और उसके बाद आपका मन हट जाएगा पढ़ने से, तो बहुत ही बोरिंग लगता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रख करके मैंने इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी है कि मैं हिस्ट्री को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में आपको समझा पाऊँ। और जो मैंने ये अपनी फाइल भी बनाई है वो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बनाई है, जिससे कि आपको जो है ये पढ़ने में मज़ा आए और आपको हिस्ट्री बोरिंग ना लगे। तो अगर आप ये रेगुलर सीरीज़ देखते हैं तो डेफिनेटली ये हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा कुछ ही टाइम में। तो रेगुलर इस सीरीज़ को फॉलो करें और जो भी क्लासेस कराऊँ सभी को देखें। तो बेसिकली आज पहले चैप्टर की शुरुआत हम कर रहे हैं। चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो, जैसे कि आपका ये चैप्टर है इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस छिपे हुए हैं। चैप्टर का नाम क्या है कि व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, तो कई सारे क्वेश्चंस आ गए। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि हिस्ट्री में क्या चीज़ें हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई और कब हुई, इन सभी चीज़ों के बारे में ये पूरा बेसिकली चैप्टर है। इन सभी चीज़ों को जानेंगे और इसमें आप देख सकते हैं ये सभी टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक हैं वेयर डिड पीपल लीव, लोग कहाँ रहते थे, जो अर्ली पीरियड था, जो अर्ली ह्यूमंस थे, शुरुआती जो लोग थे जिसको कि आदि मानव कहते हैं, वो कहाँ रहते थे। मूवमेंट ऑफ द पीपल, लोगों का आवागमन, मतलब मूवमेंट जो करते थे लोग, कैसे करते थे और क्यों करते थे। नेम्स ऑफ द लैंड, यानी कि जो देश का नाम है वो कैसे पड़ा, जो इंडिया या फिर भारत जो हम कहते हैं वो देश का नाम कैसे पड़ा। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, अतीत के बारे में कैसे हम जान सकते हैं, इन सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम कह सकते हैं हिस्ट्री के सोर्सेज क्या हैं उनको हम इसमें जानेंगे। फिर है डिफरेंट पास्ट, वन पास्ट और मैनी, इसका मतलब क्या है। वैसे तो हम जनरली पास्ट ही पढ़ते हैं, ये पास्ट का क्या मतलब है, यानी कि बात हो रही है या अनेक अतीत, अतीत एक है या अनेक है। तो अतीत एक नहीं है बल्कि अलग अलग लोगों के अलग अलग अतीत होते हैं, जैसे राजा रानियों के अलग या फिर सामान्य जो लोग होते थे पहले उनके अतीत अलग। तो इसके बारे में जनरली हम उसी टॉपिक में समझेंगे डिटेल में इसको। फिर हम देखेंगे व्हाट डू डेट्स मीन, तिथियों का मतलब क्या है। जो आतिथियाँ आप आज देखते हैं, जैसे कि ईयर देखते हैं 2022 चल रहा है, वो कैसे आया, उसका कंसेप्ट कैसे आया, उसको समझेंगे। उसके बाद डेट्स आप कभी नहीं भूलेंगे, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, राशिदा है, राशिदा का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे कि वो बैठी हुई अखबार पढ़ रही थी, राशिदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर। अचानक से होता क्या है कि उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी, हेडलाइंस होती है ना पेपर में, तो एक हेडलाइन उसने देखी, क्या देखी, 100 साल पहले। अब उसके मन में सवाल आता है कि ये 100 साल पहले क्या हुआ, कैसे पता चलता है, कोई कैसे जान सकता है कि आखिर 100 साल पहले क्या हुआ, क्योंकि 100 साल तो बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, उसको कोई कैसे जान सकता है। वो सोचती है कि देखो भाई, 1 साल पहले जो हुआ वो तो कोई भी बता देगा, आप भी बता दोगे कि 1 साल पहले भाई उसकी उसका बर्थडे था, हम वहाँ पर गए थे और ये चीज़ें हुई थी, ये सब हमने किया था, ये एक्टिविटीज़ हुई थी, या तो फिर कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी घटना हुई हो, कहीं आप ट्रैवलिंग के लिए गए हो, सभी चीज़ें आपको क्या होंगी, याद होंगी, 1 साल पुरानी भी याद होंगी, 1-2 साल पुरानी भी याद होंगी, लेकिन 100 साल पुरानी बातों का हम कैसे पता लगाते हैं। तो बात वही है कि व्हाट हैपन्ड, यानी कि जो हुआ पास्ट में जो भी हुआ उसका हम कैसे पता लगाते हैं।
अब आप अपने ऊपर ही अगर एग्जाम्पल लेकर के देखें, जैसे कोई कल की बात है, कल की बात आपको बहुत अच्छे से याद होगी कि आपने कल क्या क्या किया था। कोई कुछ भी अगर घटना बड़ी भी होती है वो भी आपको याद होगा कल क्या हुआ था, पिछले साल क्या हुआ था ये भी आपको पता होगा। आपको नहीं, आप किसी अपने फ्रेंड से पूछ के देखो, उसको भी पता होगा, कोई रिलेटिव से पूछो उसको भी पता होगा। 100 साल पहले की जो बातें हैं वो कैसे पता चलती हैं? देखो, 100 साल पहले की बातें कई चीज़ों से पता चलती हैं, जैसे कि किसी ने बुक अगर लिखी होगी तो उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा, या फिर पुराना अखबार होगा तो उससे पता चल जाएगा। अब देखो, कुछ लोग तो होते हैं 100 साल जी जाते हैं, कुछ 100 साल से भी ज़्यादा भी जी जाते हैं, लेकिन अब जो 100 साल का नहीं है, जो 20 साल का है 30 साल का है, उसको कैसे पता चलता है 100 साल पुरानी चीज़ों के बारे में? तो उसको किताबों से या फिर पुराने न्यूज़पेपर से, और आजकल तो डिजिटल पीरियड है तो उससे वीडियो से पता चल जाता है। तो कई सारे सोर्सेस हैं जो कि 100 साल पुरानी बातें हमें बता देते हैं। लेकिन अगर बात करें 1000 साल पहले की, तो 1000 साल तो बहुत लंबा टाइम पीरियड है, उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है? तो उसके भी कुछ सोर्सेस होते हैं, जैसे कि कॉइन्स हो गए, जैसे कि कुछ बुक्स हो गई जो कि मतलब कुछ लोगों ने उस टाइम पीरियड पर लिखी थी, कहीं घूमने गए वहाँ पर बुक लिखती उसने। जैसे कि आपको पता होगा कुछ यात्री भारत भी आए थे, उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, जो हम घूमने जाते हैं ना उसके बारे में जो यात्रा का जो वर्णन करते हैं उसको हम कहते हैं यात्रा वृत्तांत। तो उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे, उससे हमें पता चलता है। बहुत से आपके मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं या फिर अभिलेख हैं जिससे कि पता चलता है कि 1000 साल पहले क्या हुआ। तो बेसिकली यही सब चीज़ें जानेंगे आज के इस चैप्टर में। अब देखो, जो चैप्टर में हमारे क्वेश्चन दिए हुए थे ना, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ, इन सभी का आंसर आपको इस चैप्टर में मिलने वाला है। देखो, अभी हम किसके बारे में जानेंगे, अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं, व्हाट क्वेश्चन पूछा गया था ना उसमें चैप्टर में, व्हाट। तो व्हाट यही है कि अतीत अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम अतीत के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि भाई जो हमारे पूर्वज थे, हमसे पहले जो लोग रहे हैं धरती पर, वो मतलब उनका लाइफ कैसी थी, वो क्या खाते थे, कैसे वो कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में वो रहते थे, क्या वो आज के जैसे ही रहते थे जैसे हम आज रहते हैं। हम आखेटकों, यानी आखेटकों किसे कहते हैं, शिकारियों, पशुपालकों जो पशु पालते थे, कृषकों जो खेती करते थे, शासक जो कि कहते हैं हम रूल करते थे, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अब क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अब हम कोई हमसे कोई कहने लगे भाई हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत क्या है, तो हिस्ट्री पढ़ने की हमें इसलिए ज़रूरत है कि हम अतीत के बारे में जानना चाहते हैं कि पास्ट में क्या ऐसी चीज़ें थी जो आज से अलग थी। तो यही सब जो लोग हैं इनके बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं, ये चीज़ें हम हासिल कर मतलब इनकी जानकारी हम हासिल कर सकते हैं। उस टाइम पे बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे, ये सभी चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं अतीत के बारे में। यहाँ पर क्वेश्चन है ना कि हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं, तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि हम जान सकते हैं। अब देख लेते हैं कि वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। तो यहाँ पर हमें आंसर किस चीज़ का मिलेगा, वेयर का, वेयर, तो कहाँ रहते थे लोग जान लेते हैं। देखो, हिस्ट्री को आप अपनी प्रेजेंट लाइफ से कनेक्ट करके अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। आज की अगर लाइफ में हम देखें तो हम कहाँ पर रहते हैं, हम घरों में रहते हैं, लेकिन क्या हमेशा हमेशा ऐसा ही टाइम रहा है कि लोग घरों में रहते आए हों? तो पहले घर कौन बनाता था, ईंटें कहाँ से आती थी, पहले कौन बनाता होगा, किसको आता होगा घर बनाना, तो उस टाइम पर लोग कैसे करते थे, कहाँ पर रहते थे आखिर? तो उस टाइम पर लोगों के रहने के लिए अलग तरह की जगह थी। अब क्योंकि देखो बारिश आती है या फिर तेज़ धूप लगती है तो हम अपने घरों में छिप जाते हैं, और अक्सर तूफान भी आ ही जाता है, तो जब ये सभी चीज़ें होती हैं तो हम अपने घरों में छिप जाते हैं। लेकिन पहले के लोग कैसे करते थे, कैसे मैनेज करते थे इन सब चीज़ों को? बारिश तो पहले भी होती होगी, प्राकृतिक आपदाएं तो पहले भी आती होंगी। तो होता क्या था, पहले लोग जो नदी होती थी ना, नदियों के किनारे पर रहते थे। नदियों के किनारे पर क्यों रहते थे, नदियों के किनारे पर रहने के भी बहुत से रीज़न रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो नदी का खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए वहाँ पर रहते थे, नदी के किनारे वो रहते थे क्योंकि वहाँ पर उनको पानी का ईजिली मतलब पानी ईजिली अवेलेबल होता था नदी किनारे। अब देखो, आज आपको पानी की ज़रूरत है तो आज तो आप ट्यूबवेल लगवा लोगे, बोरवेल खुदवा लोगे, या फिर टंकी से आपके यहाँ पर पानी आता है, सप्लाई का पानी आता है, या फिर बोतल से पानी आप खरीद सकते हैं। लेकिन पहले थोड़ी ना बोतलें मिलती थी इस तरह से। तो पहले क्या होता था, लोगों को सोर्सेस जहाँ पर मिलते थे लोग वहीं पर जाकर बसते थे। तो एक सोर्स उनको मिलता था क्या, नदी का किनारा। तो नदी के पास उन्हें साफ स्वच्छ पानी मिलता था पीने के लिए, अपने बाकी के काम करने के लिए भी उनको पानी मिलता था। इसके अलावा सम ऑफ द पीपल हु लिव्ड हियर वर हंटर गैदरर्स, तो जो लोग नदी के किनारे रहते थे कुछ उनमें से क्या होते थे, हंटर गैदरर्स। हंटर मतलब जो शिकार करने वाला होता है, गैदरर्स मतलब संग्राहक, जो कि इकट्ठा करते हैं सामान,
तो वो क्या इकट्ठा करते थे, क्या उनको जरूरत पड़ती थी इकट्ठा करने की, तो वो क्या करते थे अपने भोजन के लिए जड़ों फलों जंगल के अन्य उत्पाद इकट्ठे किया करते थे। क्योंकि देखो आजकल तो आपको भोजन के बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं, आप मार्केट से भी ला सकते हो, लेकिन उस टाइम पर भोजन का क्या सोर्स था, जंगल था। जंगल से उनको फल फ्रूट मिलते थे, या तो फिर वो शिकार करते थे नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि पहले से ही रहा है इंसान, तो वो जानवर को मार करके शिकार करते थे, उसको खाते भी थे। तो जानवरों को शिकार करते थे एडवेंचर के लिए भी, और दूसरा भोजन के लिए भी, बाकी फल फूलों को भी इकट्ठा करते थे वो अपने भोजन के लिए। तो ये सभी चीज़ें थी। तो यानी कि नदी के किनारे रहने के कई सारे मकसद थे उनके, एक तो पानी मिलता था, दूसरा नदी के किनारे जंगल होते थे, जंगलों में ये क्या करते थे, शिकार करते थे और अपने लिए खाने की चीज़ें इकट्ठा करते थे वहाँ से। तो नर्मदा नदी की जिसकी हमने बात करी है, इसमें देख लेते हैं मैप पर कहाँ है। यहाँ पर आप देखोगे विंध्या के नीचे, यहाँ पर ये वाली जो रेंज है, ये वाली जो नदी है, ये है आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा से नीचे सतपुरा रेंज है, और उसके बाद तापी नदी है। तो ये चार चीज़ें एक ही जगह हैं, विंध्या, विंध्या के नीचे नर्मदा, नर्मदा के नीचे सतपुरा और तापी। कभी कभी इनकी लोकेशन पूछ ली जाती है, ऐसे क्वेश्चन कुछ घुमा फिरा करके पूछा जाता है, इनकी लोकेशन याद कर लेंगे तो याद रहेगा आपको। तो सबसे पहले विंध्या, नर्मदा, सतपुरा और तापी, दो नदियाँ हैं, दो पर्वत हैं, तो इस तरह से समझ लेंगे। तो कई सारी नदियाँ हैं यहाँ पर, इनके बारे में भी देखेंगे हम। तो देखो अर्ली मानव कुछ इस तरह का था, मतलब आदि मानव इसको कहते थे। तो देखो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, जैसे आजकल बंदर है ना, कुछ इस तरह का लुक लग रहा है ना, तभी तो कहते हैं कि पहले इंसान जो था बंदर था। तो इंसानों का जीवन बिल्कुल ऐसे ही था पहले, जैसे आजकल जानवर रहते हैं ना, जानवर जिस तरह से जंगल में रहते हैं, वहीं पर शिकार भी करते हैं अपना भोजन के लिए, भोजन के लिए चीज़ें अपने जंगलों से जुटाते हैं। तो कुछ और पहले रहने के लिए घर नहीं थे, और ऐसे सोसाइटी भी नहीं थी जैसे आज लोग ग्रुप में रहता, सोसाइटी में रहता है। तो पहले ऐसा कुछ नहीं था, तो बिल्कुल जानवर की तरह वो जीवन पहले बिताता था। अब आज तो आप घरों में रहते हो और आपके पास जॉब है, आपके पास खुद के और सारे काम हैं, तो जंगलों में तो आजकल नहीं रह सकते आप। तो पहले क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए जंगलों में रहते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो मानव है उसका थोड़ा सा विकास होना शुरू हुआ। तो विकास कैसे हुआ, धीरे धीरे एक्टिविटीज़ हुई। ऐसा नहीं है कि मानव जैसे एक दिन सोया और जैसे सुबह उठा तो ऐसे ही डेवलप उसको समाज पूरा मिल गया, सोसाइटी पूरी मिल गई डेवलप। ये हज़ारों वर्षों का परिणाम है, हज़ारों लाखों वर्षों का परिणाम है जो कि आज हम लाइफ जीते हैं। तो ये धीरे धीरे खोज हुई है, धीरे धीरे डिस्कवरीज हुई है इन चीज़ों की। तो लोग जो है कृषकों की तरह बस गए, पीपल लिव्ड एज सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट। तो इसका मतलब क्या है, देखो पहले लोगों को पता नहीं था कि खेती भी होती है, तो वो क्या जंगलों पर निर्भर रहते थे फल फ्रूट के लिए। तो हुआ क्या, जैसे वो खाता था फल या कुछ भी खाता होगा, तो जैसे बीज गिरा तो उससे पौधा बन गया, पौधे से फिर और उसके जैसे फल बन गए। तो इस तरह से क्या हुआ, उसका दिमाग ने काम किया और उसको लगा कि अच्छा इससे तो मैं और भी इसी तरह के फल या फिर इसी तरह का भोजन प्राप्त कर सकता हूँ। तो इस तरह से उसका मतलब एक तरह से डेवलपमेंट हुआ, और वो क्या करने लगा, खेती करने लगा। और जैसे वो खेती करने लगा, क्योंकि खेती के लिए फिर कुछ महीने तो चाहिए होते हैं पूरी फसल को तैयार होने के लिए, तो वो फिर वहीं पर बसने लगे, उसी जगह पर बसने लगे। तो इसी वजह से क्या होने लगे, वो सेटल होने लगे फिर उसी जगह पर। फिर अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम में, जैसे कि इंडिया का मैप है, ऐसे ही हम ड्रॉ कर लेते हैं बस, तो इंडिया का मैप है, तो उत्तर पश्चिम वाला इलाका ये वाला है। तो यहाँ पर सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में, उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियों में, उत्तर पूर्व ये है, और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने फसलों को उपजाना प्रारंभ कर दिया लगभग 8,000 साल पहले। लगभग 8,000 साल पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू किया। अगर पूछा जाएगा कौन सी फसल सबसे पहले उगाई थी, तो गेहूं और जौ उसमें मुख्य रूप से मानी जाएंगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन से एरिया की बात कर रही थी मैं। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं, देखो ये वाला एरिया। यहाँ पर उसने क्या किया, गेहूं और जौ की फसलों को शुरुआत में उगाना स्टार्ट किया। इसके अलावा भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया, क्योंकि उससे उनको उसको बेनिफिट होने लगा, दूध वगैरह मिलता था और कई सारे फायदे थे, वजन ढोने के काम आते थे। तो उसने क्या किया, उनको पालतू बनाना शुरू किया, जो भी उसके यूज़ के जानवर थे। फिर कृषि का विकास हुआ, क्योंकि जब कृषि की शुरुआत कर दी, सेटल होने लगे, तो फिर कृषि का डेवलपमेंट और हुआ, और भी चीज़ें उगाने लगे। फिर जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया, वह स्थान विंध्य के उत्तर में था। विंध्य कहाँ है, यहाँ पर है। तो उत्तर कौन सा होगा, इसके जगह उसके इसके ऊपर वाला हिस्सा होगा उत्तर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया गया, चावल उगाया गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जहाँ पर मानव को बेनिफिट मिलता गया, वो वहीं पर क्या बसता चला गया, और इसी तरह से बस्तियाँ बनती चली गई। तो हमने ये देखा कि सबसे पहले उसने फसल यहाँ पर स्टार्ट करी, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में, और यहाँ पर सबसे पहले चावल उगाया, यहाँ पर भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू करा, यहीं पर, यहीं की बात हो रही है।
तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, इन्हीं चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप सोचोगे कि ये सब कैसे पता चलता है। देखो, कुछ पुरातत्वविद होते हैं जो कि यही काम करते रहते हैं कि जो भी चीज़ें मिलती हैं उसका अध्ययन करना, उसका उसको स्टडी करना कि कौन सी चीज़ कब की है। ये कार्बन डेटिंग पद्धति से पता चलता है हमें। एक पद्धति होती है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि ये चीज़ जो है किस टाइम पीरियड की है और क्या चीज़ कब हुई थी। रेयरिंग एनिमल्स जो मैं बात कर रही हूँ, पालतू जो पशुओं को बनाना शुरू करा। आप ये सोच रहे होंगे कि जानवर तो बचे नहीं, उसके बाद कैसे मतलब हमें कैसे पता चलता है कि उस टाइम पर जानवर वो पालने शुरू करे, क्योंकि हमें कुछ हड्डियों के अवशेष मिलते हैं। तो जिस जगह पर जिस जिस तरह की हड्डी मिलती है, क्योंकि जानवरों को पता लगाया जा सकता है हड्डियों के स्ट्रक्चर से, तो वो हड्डियों को स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं कि जिस जगह से वो मिली हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग उन जानवरों को पालते रहे होंगे। तो एक तरह से ये हम अनुमान इसका लगाते हैं और इसी आधार पर हम इसको बताते हैं। अब देखो, इसके बारे में बात कर चुके हैं हम कि लोग पहले नदी के किनारे रहते थे, लेकिन ये भी हमने बात करी है कि जैसे वो खेती का उनको पता चला तो वो थोड़े से सेटल होने लगे, वहीं पर वो बसने लगे। तो अब जब बसेंगे तो पहले एक इंसान बसेगा, उसके बाद दो इंसान बसेंगे, मतलब इस तरह से क्या होगा, वहाँ पर और पॉपुलेशन हो जाएगी, एक तरह से बस्तियाँ बन जाएंगी। बस्तियाँ जब बसेंगी तो क्या होगा, नगर बनेंगे, शहर बनेंगे। तो नगर बन गए पूरे के पूरे, तो वो कहाँ पर बने सबसे पहले, नगर जो है सबसे पहले कहाँ बने, तो ये बने सिंधु और गंगा नदी और उनकी सहायक नदियों के पास में। सिंधु नदी आपको पता ही है, ये पड़ती है यहाँ पर, ये है सिंधु नदी, यहाँ पर ये वाली नदी है, यहाँ पर सबसे पहले लोग बसने शुरू हुए। इसके बाद फिर गंगा नदी के किनारे पर बसने शुरू हुए, ये गंगा नदी है। तो यहाँ पर लगभग ये बात है 4700 वर्ष पूर्व की, जब लोग यहाँ पर बसना शुरू हुए। तो सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, आरंभिक यानी जो स्टार्टिंग वाले जो अर्लीस्ट सिटीज़ जो थी, जो शुरुआत में नगर बने, वो इनके आसपास फले फूले। सहायक नदियाँ कौन सी हैं, जो मुख्य नदी होती है उसमें जो बाकी नदियाँ आकर के मिलती हैं वो सहायक नदियाँ होती हैं। जैसे मुख्य नदी हमारी क्या है, गंगा। अब जैसे गंगा में बाकी जो नदियाँ आकर के मिल रही हैं, ये घाघरा, गंडक, कोसी और रामगंगा, ये जो इधर से आकर मिल रही हैं ना नदियाँ, ये वाली इसकी सहायक नदियाँ हैं, किसकी, गंगा की नदियाँ। और जो सिंधु में आकर के मिल रही हैं, रावी, सतलुज, चिनाब, झेलम, ये इंडस यानी सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। तो गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे और समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अब क्योंकि देखो, जो ये गंगा नदी है इधर से आकर के ये समुद्र में मिलती है, तो समुद्र तटवर्ती इलाके कौन से होंगे, जो तट के किनारे होंगे ये वाले इलाके। तो इन इलाकों की बात हो रही है कि इसमें नगरों का विकास कब हुआ, 2500 वर्ष पूर्व, यानी कि जो सिंधु नदी है उसमें जो नगरों का विकास हुआ वो सबसे पहले हुआ था, उसके बाद गंगा नदी के किनारे हुआ था। तो गंगा जो नदी है, एक उसकी सहायक नदियाँ सोन नदी भी है। तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था, जो कि आज बिहार में है। तो देखो, यहाँ से गंगा निकल रही थी, हमने देखा था इस तरह से जा रही थी कुछ। तो अब गंगा के दक्षिण वाला एरिया कौन सा होगा, जो नीचे होगा इसके, तो ये क्या हो गया, गंगा के दक्षिण वाला एरिया हो गया, जो कि मगध नाम से जाना जाता था उस टाइम पर। मगध साम्राज्य का नाम आपने सुना होगा। तो इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था, क्योंकि ये राज्य काफ़ी शक्तिशाली था, तो इसलिए आज भी इसका नाम क्या है, याद किया जाता है। और अगर हम बात करें इसके बारे में जानकारी की, तो आप इसके लिए एक सीरियल या फिर मूवीज़ देख सकते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने सुना होगा, उस पर भी काफ़ी सीरीज़ बनी हुई हैं, मूवीज़ बनी हुई हैं, अशोका के नाम पर मूवीज़ बनी हुई हैं, तो उसमें आपको सारी डिटेल इस साम्राज्य की मिल जाएगी। देखो, अगर आप मूवीज़ के थ्रू हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो काफ़ी ईजी हो जाता है चीज़ों को समझना, वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाती हैं। तो हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी मूवीज़ हैं वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। देखो, अभी हमने जान लिया कि लोग कहाँ रहते थे और क्यों रहते थे, तो क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं ना बारी बारी से। तो अभी हम और एक चीज़ देख लेते हैं, क्या कि मूवमेंट ऑफ द पीपल, लोगों का आवागमन। लोग जो मूवमेंट करते थे पहले टाइम में, तो वो क्यों करते थे, क्योंकि लोग एक जगह नहीं रहते थे पहले, वो मूवमेंट करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो वही रीज़न हमें जानना है कि आखिर क्या ज़रूरत ऐसी पड़ती थी उनको कि उनको मूवमेंट करना पड़ता था। तो लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर उपमहाद्वीप कहाँ से आ गया, उपमहाद्वीप देखो किसे कहते हैं। अब देखो, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं पूरा मैप पर, ये पूरा क्या कहलाता, उपमहाद्वीप, पूरा का पूरा उपमहाद्वीप कहलाता था। क्यों कहलाता था, देखो आज तो आपको ये बॉर्डर अलग अलग दिख रही है, दिख रहे हैं ना बॉर्डर अलग अलग, कि हमने पाकिस्तान अलग बना दिया है, अफगानिस्तान अलग है, बॉर्डर इनकी अलग है, और मैप पर भी दिख रहा है आपको कि हाँ ये कंट्रीज अलग अलग हैं। लेकिन पहले के थोड़ी ना किसी ने बॉर्डर बनाया था, जब स्टार्टिंग में जो ये नगर बसे तो उस टाइम पर किसी को कहाँ बॉर्डर का पता था, तो कोई कहीं से भी आ जाता था, इधर से लोग भारत आ जाते थे या फिर यहाँ से भारत के लोग बाहर चले जाते थे।
तो कोई भी इंसान बाहर के देशों से यहाँ जाता था, यहाँ से बाहर चले जाता, क्योंकि देश की कोई बाउंड्री नहीं होती थी पहले। ये तो बाउंड्री हमने अब बनाई है और बहुत सारे डिस्प्यूट अब तो हो गए हैं, लेकिन पहले तो कोई कहीं भी चला जाता था, कहीं भी युद्ध करने चले जाते थे। आपने युद्धों के बारे में सुना होगा, वो कैसे आ जाता था, क्योंकि बॉर्डर नहीं था ना, कोई सिक्योरिटी तो थी नहीं पहले, तो कोई भी कहीं भी चला जाता था और किसी का भी किंगडम कोई भी जीत लेता था। जैसे आज रात किसी और का एम्पायर है वो, और कल सुबह किसी और का हो जाएगा अगर उसने वो जीत लिया है तो। तो ऐसे मतलब राजा बदल जाते थे रातों रात, तो बॉर्डर नहीं था, तो पहले लोग इस तरह से ज़मीनें जीत लेते थे। तो बेसिकली ये सब कॉन्टिनेंट, ये पूरा एरिया कहा जाता है, जो आज हम कहें साउथ एशिया है, जो आज का साउथ एशिया है, ये सब कॉन्टिनेंट था पहले का, उपमहाद्वीप। तो ये इसमें सारे ये कंट्रीज आ जाती हैं, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, नेबरिंग कंट्रीज हैं जो अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार, ये सभी आती हैं हमारे साउथ एशिया में। और ये आजकल भी सब कॉन्टिनेंट कहलाया जाता है, लेकिन पहले ये सब कॉन्टिनेंट ही कहलाता था। तो क्योंकि ये साइज में कैसा है, छोटा है, किससे, महाद्वीप से, महाद्वीप महाद्वीप से छोटा है, महाद्वीप के इक्वल नहीं है, और ये बड़ा है। और ये जो है मतलब हिल से, माउंटेन से जो है एक तरह से बाकी के एशिया से अलग हो जाता है, समुद्र से, हिल से। यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर जो है माउंटेन्स हैं, हिमालय माउंटेन्स, जो कि इसको अलग करते हैं दूसरे देशों से, और समुद्र से अलग है, समुद्र से अलग है बाकी देशों से। तो इसीलिए क्या कहा जाता था इसको, सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था, क्योंकि कॉन्टिनेंट से छोटा था, तो इसलिए सब कॉन्टिनेंट इसको कहा जाता था। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। हिंदी में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने हिंदी में भी यहाँ पर लिख दिया है। और चलिए उसी टॉपिक पर वापस चलते हैं हमारे। तो लोग उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से यात्रा करते थे, जैसे कि भारत में अगर है कोई, आज के भारत में, पहले तो भारत अलग से नाम नहीं था, तो भारत से मान लो कोई अफगानिस्तान जा रहा है, या फिर ईरान से भारत आ रहा है, या फिर चाइना से भारत आ रहा है, तो पहले ऐसे यात्रा करते रहते थे। तो क्यों यात्रा करते थे, अब क्वेश्चन ये आता है। तो बहुत सारे रीज़न थे इसके, जैसे कि मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, काम की तलाश में यात्रा, जो कि आज भी होती है, तो काम की तलाश में यात्रा करते थे, यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। इसके अलावा दूसरा रीज़न क्या होता था, दूसरा रीज़न होता था जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे कि कोई बाढ़ आ गई, या फिर सूखा पड़ गया। सूखा पड़ गया तो पानी का सोर्स नहीं होगा वहाँ पर, बाढ़ आ गई तो वहाँ पर रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। जैसे कि मोहनजोदारो मूवी में आपने देखा होगा, वहाँ पर बाढ़ आ गई थी, तो वो क्या हुआ था, सिंधु नदी के किनारे वो बसे हुए थे पहले लोग, फिर वो गंगा नदी के किनारे आकर बस गए। तो ऐसा पहले भी होता था, नेचुरल डिजास्टर जो आते थे तो उनके चलते भी लोगों को मूवमेंट करना पड़ता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। अब देखो पहले उनका कोई स्थायी बसेरा तो होता नहीं था, हंटर गैदरर्स होते थे, तो एक जगह से दूसरी जगह पर वो चले जाते थे। जब वो बस भी गए थे, एक तरह से उनकी बस्तियां भी बन गई थी, उसके बावजूद भी उनका मूवमेंट इस तरह से चलता रहता था। तो कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी, जैसे आपको आपने अक्सर सुना होगा युद्धों में कि एक जगह से दूसरे जगह पर वो जाती थी, जैसे कि युद्ध करने गए तो वहीं पर जाकर के बस गए, वो क्षेत्र उन्होंने जीत लिया तो वहीं पर बस गए जाकर के, तो ये भी एक तरह से मूवमेंट हो गया। व्यापारी व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, कि भाई जैसे कुछ चीज़ें हैं, व्यापारी जो कुछ चीज़ें ले जाते थे, जैसे समुद्र के रास्ते से ले जाते थे, तो वहीं पर जाकर बस जाते थे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कारण होती थी मूवमेंट का लोगों के। और भी हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि रिलीजियस टीचर्स जो होते थे, जो धार्मिक गुरु होते थे, तो वो लोगों को शिक्षा देने के लिए या फिर सलाह देने के लिए एक गाँव से दूसरे गाँव जाते थे, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाते थे। जैसे कि ईसाई धर्म के बारे में आपने सुना होगा, जो बाहर से लोग आए थे उन्होंने ही हमारे यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था, तो वो अपने धर्म का प्रचार करते थे, और लोगों को अगर वो धर्म अच्छा लगता था तो लोग उसको उसमें कन्वर्ट भी हो जाते थे। साहसिक कार्य, यानी कि जैसे एडवेंचर्स के कोई लोग शौकीन होते हैं, तो जैसे कि शिकार करने जाते थे, एडवेंचर्स के लिए जाते थे, या फिर कोई खोज के लिए जाते थे, कोई प्लेस विजिट करने के लिए जाते थे, जैसे आज भी कुछ लोग जाते हैं जो एडवेंचर के शौकीन होते हैं। और दूसरा, लोगों के विचारों के आदान प्रदान के लिए जो है मूवमेंट होता था। तो कई सारे रीज़न थे जिसकी वजह से मूवमेंट लोगों का होता था। अब देखो जैसे आजकल है ना, आजकल तो हम एरोप्लेन से चले जाते हैं, तो ये बड़े बड़े माउंटेन्स हम क्रॉस कर लेते हैं इजीली ट्रेन के थ्रू, या फिर कोई बड़ी लंबी यात्रा करनी है ट्रेन के थ्रू कर ली। तो लेकिन आज क्या है, आज तो ये जो यात्राएं हैं बहुत ईजी हो गई हमारे लिए। जो ट्रेन जाती है, देखो रिवर के ऊपर से भी गुजर जाती है ट्रेन, तो रिवर हमें खुद से पार नहीं करनी होती, लेकिन पहले के लोगों के लिए बहुत टफ होती थी ये चीज़ें। अगर एक नदी भी पार करनी है तो बहुत मुश्किल काम होता था। तो पहले क्योंकि जैसे हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत हैं, रेगिस्तान हैं, नदियां हैं, रेगिस्तान भी बहुत बड़े बड़े मतलब बहुत लंबे लंबे एरिया में फैले होते थे, नदियां हैं, पहाड़ियां हैं, या फिर समुद्र है, तो ये वाली जो यात्राएं होती थी काफ़ी जोखिम भरी होती थी, डेंजरस होती थी उस टाइम पर, क्योंकि कोई साधन नहीं था सवारी का पहले, लेकिन फिर भी लोगों के लिए असंभव नहीं थी। फिर भी मतलब लोग रुके नहीं, ऐसा नहीं है कि टफ थी तो लोगों ने मतलब
ये यात्राएं करना बंद कर दिया। जैसे हम आजकल कोई अगर हमारा कोई टारगेट है वो पूरा नहीं होता तो हमारा हार मान जाते हैं, तो ऐसा उन लोगों ने नहीं किया। वैसे ही हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो चाहे काम इम्पॉसिबल लग रहा हो लेकिन कभी भी उसको करना बंद नहीं करना चाहिए। ये हम देख चुके हैं। एक चीज़ और, जैसे लोग शिकार करते थे पहले तो वो रास्ता भटक जाते थे। अब देखो क्योंकि पहले के टाइम में गूगल तो होता नहीं था, आज तो आप गूगल देख करके कहीं भटकोगे नहीं, गूगल से पहुंच जाओगे अपनी डेस्टिनेशन पर जहां पर आपको पहुंचना होगा। लेकिन पहले क्या होता था, पहले कोई गूगल नहीं था, कोई कंपास नहीं होता था जिसकी वजह से डायरेक्शन का पता चले, तो वो जैसे रास्ता भटक जाते थे तो फिर उसकी वजह से वहीं पर बस जाते थे। तो पहले इस तरह की चीज़ें भी होती थी। अब आप सोचोगे कि पहले के लोगों के पास तो बहुत सारी वजह थी जिसकी वजह से वो मूवमेंट करते थे, यात्रा करते थे। आजकल लोग क्यों यात्रा करते हैं, क्यों ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर? तो आजकल भी वजह काफ़ी सारी हैं, कुछ पहले से भी मिलती जुलती हैं और कुछ थोड़ी डिफरेंट भी हैं। जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, आजकल लोग जॉब के लिए भी मूवमेंट करते हैं। मतलब क्या है, घुमा फिरा करके थोड़ा सा मिलता जुलता ही है पहले की तरह। पहले भी लोग काम की तलाश में जाते थे, आज भी। और आजकल लोग एजुकेशन के लिए भी जाते हैं, जैसे कुछ लोग विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ लोग टूरिज्म के लिए भी जाते हैं। जैसे कि कहीं घूमना है, कोई आप शौकीन है घूमने के तो आप घूमने के लिए जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पहले से ही मिलती जुलती हैं आज के टाइम में भी ट्रैवलिंग से रिलेटेड। नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं आजकल, आपने देखा होगा जो तटीय इलाके हैं, समुद्र के किनारे वाले जो इलाके हैं वहाँ पर कभी भी साइक्लोन आ जाते हैं, तूफान आ जाते हैं, उसकी वजह से उनको मूवमेंट करना पड़ता है। व्यापार के लिए लोग मूवमेंट करते हैं, ट्रेड के लिए। तो इसका रीज़न, इसका जो रिजल्ट निकला, देखो सीमा के उस पार के लोग भी उपमहाद्वीप में आ गए, उपमहाद्वीप वही वाला एरिया जो मैंने बताया था, और यहाँ पर बस गए। देखो आप आज आप जो यहाँ पर देखते हैं अलग अलग धर्मों के लोग, जो हमने पॉलिटी में पढ़ा था क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर में, देखो और सब्जेक्ट से भी कनेक्ट करके इसको आप पढ़ सकते हैं तो ईजी हो जाएंगी चीज़ें। क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर पॉलिटी में हमने पढ़ा था कि केरल में यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग आकर के बस गए, तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे धर्म के लोग मिलते हैं। तो वैसे ही वहाँ के लोग जो थे यहाँ पर आकर बस गए उपमहाद्वीप में। यहाँ पर किसी भी रीज़न से आए हों, व्यापार के लिए आए हों या फिर ऐसे घूमने आए हों, तो यहाँ पर ही आकर वो बस गए। तो लोगों के आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कहने का मतलब क्या है कि कुछ कल्चर उनका अलग था और कुछ डिफरेंस कुछ हमारे कल्चर में था, तो दोनों का क्या हुआ, मिक्स कल्चर हो गया। एक तरह से कहेंगे एक्सचेंज हो गया कल्चर। जैसे कि जो चीज़ें वो खाते थे वो हमने खाना सीख लिया, जो हम लोग खाते थे वो उन्होंने खाना सीख लिया, जैसे वो कपड़े पहनते थे यहाँ पर हमने पहनना सीख लिया। तो आजकल देखते हैं आप वेस्टर्न ड्रेसेस पहनी जाती है यहाँ इंडिया में भी। और खाने की चीज़ें देखें, जैसे कॉफ़ी है, चाय है, ये सभी बाहर से ही तो आई है, तो बाहर के देशों से ये आई है, हमने जो अडोप्ट कर ली। आजकल देखो चाय और कॉफ़ी ऐसी लगती हैं जैसे कि उनके बिना हम रह ही नहीं सकते, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने दूसरों लोगों से अपना ली है और उन लोगों ने हमारी कुछ चीज़ें अपना ली हैं। तो लोगों ने कई सैकड़ों वर्षों में पत्थर पर नक्काशी, संगीत रचना, यहाँ तक कि खाना पकाने के नए तरीके ही अपनाते रहे हैं। मतलब वही है कि जैसे दूसरी कंट्रीज़ में नक्काशी होती थी, कहने का मतलब कार्विंग स्टोन, या फिर म्यूज़िक जो कंपोज करने का तरीका था, वहाँ का म्यूज़िक कुछ डिफरेंट है, यहाँ का म्यूज़िक कुछ डिफरेंट है। आप पुराना म्यूज़िक देख लो, और कुकिंग का डिफरेंस देख लो, आप अपनी कंट्री में ही देख लो, अपनी कंट्री में भी काफ़ी आपको डाइवर्सिटी मिल जाएगी। जैसे कि साउथ इंडिया में लोग इडली सांभर या फिर डोसा खाते हैं, और नॉर्थ इंडिया में लोग चावल या फिर चपाती खाते हैं। तो जब साउथ इंडिया के लोग नॉर्थ इंडिया में आएंगे तो वो भी चपाती और दाल खाना सीख लेंगे, और जो हम साउथ इंडिया में चले जाएंगे तो हम भी उनके जैसे इडली सांभर खाना सीख जाएंगे। और अब तो आप देखें ये डिशेस सभी जगह कॉमन मिलती हैं, साउथ इंडिया का फूड नॉर्थ इंडिया में मिलता है और नॉर्थ इंडिया का फूड साउथ इंडिया में मिलता है। वैसे ही अलग कंट्रीज़ में भी है, आप दूसरी कंट्रीज़ में चले जाओ तो इंडियन फूड वहाँ पर भी मिल जाएगा और बाहर के देशों का जो फूड है वो यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सवारी का साधन है, ये बैलगाड़ी, बैलगाड़ी इसको बोला जाता है। तो ये पुराने टाइम में यूज़ की जाती थी अक्सर सवारी के लिए, क्योंकि ऐसा कोई पेट्रोल या डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ नहीं थी तो उस टाइम पर ये यूज़ होती थी। तो आजकल आप इसको गाँव में भी देख सकते हैं, आज भी ये देखने को मिलती है। तो पहले टाइम में इसी तरह से जानवरों के सहारे से ही हमारे क्या होते थे, परिवहन के साधन बनते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेम्स ऑफ द लैंड, देश के नाम। देश के जो नाम हैं, डिफरेंट नाम आप सुनते हैं, दो नाम आप कॉमन सुनते हैं जैसे कि इंडिया और भारत। तो ये नाम कहाँ से आए, आपके मन में कभी तो सवाल आता होगा कि नाम आखिर कहाँ से पड़े। तो अगर हम बात करें इंडिया शब्द की, इंडिया जो शब्द है ये निकला है इंडस से। इंडस कहते हैं हम सिंधु नदी को इंग्लिश में। सिंधु नदी के बारे में भी बताया था मैंने, जो आपकी नॉर्थ वेस्ट में फ्लोइंग रिवर है, तो वो जो है वो इंडस नाम है उसका इंग्लिश में। तो इंडस जो नाम था इसका, जो ये उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानी थे, तो
ईरानी और यूनानी जो थे सिंधु को हिंदू कहते थे या फिर इंदोस कहते थे, हिंदू या फिर इंदोस कहते थे। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं इंदोस या फिर इंदोज। अब इससे क्या हुआ, जैसे जैसे धीरे धीरे प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं ना, थोड़ा सा बदल जाता है उसका रूप, वैसे इसका स्वरूप बदल गया और इसके नदी के पूर्व में जो स्थित भूमि या प्रदेश था उसको इंडिया कहा। अभी देखो इसको देख लेते हैं, ईरानी और यूनानी कौन थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्ल्ड मैप पर, ये है आपका देश ईरान और ये है क्या ग्रीस। तो ग्रीस जो है उसको यूनान कहते हैं हिंदी में, और पहले मतलब पुराना नाम है इसका ये। तो यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं इनको कहते हैं ईरानी, ईरान में रहने वाले ईरानी, और ग्रीस में रहने वाले जो हैं ग्रीक कहलाते हैं, या फिर हम इनको कहते हैं क्या यूनानी। तो ये जो हैं लोग, देखो मैंने क्या कहा था, यहाँ पर लोग कहीं से भी आ जाते थे, ऐसे कोई बाउंड्री तो थी नहीं। तो अब ये लोग ऐसे इस तरह से आ जाते थे मूवमेंट करके, यहाँ पर आ जाते थे। यहाँ पर कौन सी नदी पड़ती थी, यहाँ पर पड़ती थी इंडस रिवर। अब यहाँ पर जो इंडस रिवर पड़ती थी, अब नाम तो बोलेगा ही कोई किसी ना किसी वजह से कि भाई हम उस नदी को पार करके जाएंगे, इस तरह से जाएंगे, ऐसे युद्ध करेंगे। तो जो नदी का नाम था वो इस तरह से प्रोनाउंस करते थे कि पहले तो इसको हिंदू कहा इन्होंने, इंदोस कहा, इंदोस कहा, और फिर धीरे धीरे इसका क्या हुआ, इसके जो ईस्ट में जो भूमि प्रदेश था, तो यहाँ पर देखो नदी थी ये, अब ईस्ट में क्या हुआ भारत हुआ, तो इसको हमने क्या इन्होंने क्या कह दिया, इंडिया कहने लगे ये इसको। तो इस तरह से इंडिया जो शब्द है वो आया। भारत की बात करें तो भारत जो शब्द है एक तरह से उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उत्तर पश्चिम यही वाला इलाका हो जाएगा। तो इसमें ये शब्द इस्तेमाल किया जाता था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो जो संस्कृत की सबसे पुरानी रचना है, ऋग्वेद संस्कृत की सबसे पुरानी रचना है, जो कि वेद है, चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है जो है वो ऋग्वेद है। तो ये लगभग 3500 साल पहले है, 3500 साल पहले की रचना है, और बाद में इसका इस्तेमाल देश के लिए किया गया। तो मतलब ये एक तरह से बेसिकली एक समूह था, तो हम जनजाति भी इसको कह सकते हैं, कोई समूह कह सकते हैं लोगों के। पहले समूह जो बटे हुए होते थे उनके नाम होते थे, जैसे आजकल जनजातियों का हम नाम रखते हैं ना, जैसे थारू जनजाति, गोंड जनजाति, इस तरह से भरत नाम का एक समूह था लोगों का इस तरह से। तो उसके नाम पर क्या पड़ गया, भारत नाम पड़ गया। तो ये दोनों नाम हमने देख लिए कि इस तरह से भारत के पड़े हैं। अब हम देखते हैं नया टॉपिक जो कि है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, अतीत के बारे में कैसे जाने। घुमा फिरा करके ये बात हो रही है किसकी, सोर्सेस की, हिस्ट्री जानने के सोर्सेस क्या क्या हैं। सबसे पहला हिस्ट्री जानने का सोर्स है पांडुलिपियां यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो देखो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, ये किताबें बहुत पहले लिखी गई थी, बहुत पहले से मतलब है हजारों साल पहले लिखी गई थी, और ये हाथ से लिखी गई थी। अब जो ये शब्द जो है हाथ, ये हम कहेंगे लेटिन भाषा का जो शब्द है मनु, मनु से आया है ये, और जिसका अर्थ होता है हाथ। तो इसी वजह से इसको क्या कहा गया, मनुस्क्रिप्ट कहा गया। मनु मतलब हाथ हो गया और स्क्रिप्ट मतलब होता है लिखना, तो हाथ से जो लिखी गई वो कही गई क्या, मनुस्क्रिप्ट कही गई, क्योंकि मनु जो है इसका अर्थ होता है हाथ। तो इस तरह से इसका नाम याद रखेंगे, हिंदी में कहते हैं इसको पांडुलिपियां। तो ये आमतौर पर ताड़ के पत्ते पर लिखी जाती थी, ताड़ के पत्ते पर, या तो फिर हिमालय में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की एक विशेष रूप से तैयार छाल पर लिखे जाते थे, तैयार की जाती थी छाल ये। तो पाम लीफ हम कहते हैं इंग्लिश में ताड़ के पत्तों को, और ये जो है भुर्ज पेड़ जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं बर्च, तो ये बर्च इंग्लिश में कहा जाता है। तो बेसिकली जो हिमालय में उगने वाला भुर्ज नामक पेड़ था उसकी छाल पर या तो फिर ताड़ के पत्ते पर ये मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी। तो फिर इसको स्टोर कैसे करते थे, देखो जैसे कि हमने अलग अलग पत्ते पर लिख दिया है कुछ भी हमने लिखा, जैसे जो भी संदेश हमें लिखना है वो हमने लिख करके क्या कर लिया, एक तरह से पन्नों में काट लिया, पन्नों में काट लिया, जैसे आजकल पन्ने होते हैं ना उस तरह से काट लिया, और फिर एक तरह से किताब बनाने के लिए एक साथ इसको बांध देते थे, जैसे हम धागे से वो खुद से कॉपी बनाते हैं ना, उस तरह से इसको बांध दिया जाता था, तो एक किताब बन करके तैयार हो जाती थी। तो इस तरह से इसको क्या करते थे, स्टोर करके रखा जाता था। तो यहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल एक देख सकते हैं, ये है ताड़पत्र, ताड़ का पत्ता पाम लीव है ये, तो इस तरह से लिखा जाता था, और फिर इसको देखो इस तरह से यहाँ पर छेद करके इसको धागे में जो है बांध करके, सभी ताड़ के पत्तों को बांध करके एक बुक बना दी जाती थी। और बात करें अगर बर्च के पेड़ की, तो ये है बर्च का कुछ एक पेड़ इस तरह का, देखो इसकी छाल कुछ इस तरह से निकलती थी अलग, तो इसको थोड़ा सा तैयार करते थे, ये लिखने लायक बनाते थे इसको, उसके बाद इस पर लिखा जाता था। अब आप सोचेंगे ये तो इतने लाइट लग रहे हैं, पत्ता पत्ता आपने देखा होगा कितना सॉफ्ट होता है, ऐसा कोई ज़्यादा हार्ड तो होता नहीं है, ये थोड़ा सा हार्ड होता था ताड़ का पत्ता तो। लेकिन फिर भी हजारों सालों तक तो थोड़ी ना इनको संभाल के रख सकते हैं, कोई एक सवाल तो आपके मन में आया होगा कि ये क्या ये मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं स्टिल अवेलेबल है, आर दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स स्टिल अवेलेबल। तो
देखो बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस तरह की थी ये, ज़्यादा मजबूत तो थी नहीं, ज़्यादा सॉलिड भी नहीं थी। तो कई पांडुलिपियों को तो कीड़े खा गए, कुछ पांडुलिपियों को कीड़े खा गए, क्योंकि भाई पेड़ से बनी हुई है तो कहाँ तक चलेंगी, कुछ नष्ट हो गई, और कई मंदिरों और मठों में संरक्षित हैं अभी भी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कुछ ही इसमें से बची हैं, क्योंकि ज़्यादा इनकी क्वालिटी हम कह सकते हैं ज़्यादा स्ट्रोंग तो थे नहीं, ये पत्थर तो थे नहीं जो ये बचे रहते हैं हज़ारों सालों तक। अब आगे जान लेते हैं। अब देखो इसमें आखिर होता क्या था। अब ये तो हमने देख लिया कि ये ताड़ पत्रों पर लिखी जाती थी, लिखा क्या जाता था, क्योंकि बुक की बुक पूरी बना देते थे इनसे। तो बुक ये जो होती थी ये किस बारे में होती थी, क्या होता था इन पर? तो ये जो बुक होती थी बेसिकली हम बात करें तो सभी प्रकार के विषयों से संबंधित होती थी, ऐसा नहीं कोई एक ही चीज़ होती थी। तो इसमें आप देख सकते हैं धार्मिक विश्वास और प्रथाएं हो सकती हैं, जैसे कि भी हमारे जो धार्मिक प्रैक्टिसेस हैं वो क्या हैं, जैसे कि यज्ञ हवन वगैरह पहले कराते थे, किसी विधि को अगर बताना है धर्म से रिलेटेड वो सब इस पे लिखी जाती थी। राजाओं का जीवन उसके बारे में होता था, लाइफ्स ऑफ किंग्स, राजाओं के जीवन के बारे में इसमें होता था। आज आप देखते हो ना कि राजा कैसे जीवन जीते थे, ये इसी तरह से तो पता चला है हमें, हिस्ट्री के इन सोर्सेज से तो पता चलता है, नहीं तो हम कौन सा उस जमाने में पैदा हुए थे, या हमारे पेरेंट्स थोड़ी ना उस जमाने में पैदा हुए थे जो हमें पता चलेगा राजाओं का जीवन कैसा था। तो वो ऐसे ही पता चलता है, और या फिर चिकित्सा और विज्ञान इसमें मेंशन होता है। जैसे कि आप आज बात करें आयुर्वेद की, आयुर्वेद की जो हम बात करते हैं, अब आज जो अंग्रेजी दवाइयां हैं वो पहले थोड़ी थी, तो पहले लोग आयुर्वेद पर निर्भर होते थे। तो आयुर्वेद की जो प्रैक्टिसेस होती थी, आयुर्वेद की जो जो विधियाँ होती थी, किस मेडिसिन का इलाज किस में किया जाएगा इस तरह से, वो साइंस के बारे में वो सभी इनमें लिखा जाता था। इसके अलावा महाकाव्य जैसे रामायण महाभारत और कविताएँ होती थी, पहले के लोग जो थे नाटक होते थे, तो ये सभी मेंशन होता था इन बुक्स में। तो मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल। तो ये बेसिकली तीन भाषाओं में लिखी गई थी, संस्कृत, प्राकृत और तमिल। कहने का मतलब है जो प्राकृत थी सामान्य लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषाएं थी ये, जो कि एक तरह से मतलब संस्कृत और प्राकृत थी जो कि सामान्य लोगों द्वारा इस्तेमाल में की जाने वाली थी। तो इसीलिए इसको इन भाषाओं में लिखा जाता था जिससे कि जन सामान्य तक ये पहुँचाया जा सके संदेश। अगर किसी और भाषा में लिखते तो कैसे लोग उस चीज़ को समझ पाते, तो जो जन सामान्य की भाषा थी उसी में इनको लिखवाया गया। मैन्युस्क्रिप्ट के बाद नेक्स्ट सोर्स जो आता है वो आता है अभिलेख, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? तो इतिहास जानने का एक और सोर्स है ये, और बेसिकली ये पत्थर या धातु जैसी कठोर चीज़ पर लिखा जाता है। अब देखो मैन्युस्क्रिप्ट की बात करें तो वो तो थोड़ी सी सॉफ्ट होती थी और समय के साथ नष्ट होने वाली थी। अब जो हज़ारों साल पहले की जो प्रैक्टिसेस हैं वो लोगों तक कैसे पहुँचेंगी, अगर मान लो बाद के लिए उनको रखनी है, आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर वो बचा कर रखना चाहते तो कैसे बचाएंगे, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट तो ज़्यादा दिन चलेंगी नहीं, उन लोगों को भी पता था। तो ये दूसरा एक सोर्स था हिस्ट्री का, जो कि इन्होंने पत्थरों पर या फिर धातुओं पर ये चीज़ें लिखवाई, संदेश लिखवाए। तो यहाँ पर भी देखो यही बात आती है कि क्या लिखा था इस पर। तो यहाँ पर देखो आप ये तस्वीर देख रहे होंगे, हार्ड सरफेस आपको दिख रही होगी ये, तो ये पत्थर जैसी चीज़ कठोर चीज़ पर लिखवाया जाता था जिससे कि खराब ना हो। तो पत्थर तो सालों साल चलेगा, हज़ारों साल भी चलेगा, कुछ बिगड़ेगा नहीं इसका, हवा पानी आंधी तूफान से। तो यहाँ पर लिखे होते थे आम लोगों के लिए राजाओं के आदेश, तो जो किंग्स के ऑर्डर्स थे वो लिखवाए जाते थे। अगर राजा को कोई आदेश जनता को देना होता था वो लिखवाए जाते थे। और लोगों के जीवन के बारे में, जैसे कि राजा रानी या फिर अन्य स्त्री और पुरुष, कोई खास कोई लोग होते थे तो उनके बारे में, तो ऐसा नहीं है सामान्य लोगों के बारे में तो बहुत कम चीज जानकारी मिलती है। बेसिकली हम कहेंगे राजा रानी या फिर कोई और मुख्य लोग होते थे उनके बारे में मिलता था। जैसे कि राजा अक्सर युद्ध में जीत का रिकॉर्ड रखते थे। अब क्योंकि देखो हर किसी को अपनी प्रशंसा करवाना पसंद होता है, अपनी तारीफ करवाना, तो आपकी भी कोई तारीफ करेगा तो आपको अच्छा लगेगा। वैसे ही राजा क्या सोचते थे कि भाई हमने युद्ध में विजय हासिल की है तो हम इस पर लिखवाएंगे, जिससे कि जो और आने वाले लोग हैं, आने नई पीढ़ी जो आएगी या फिर और कोई अन्य लोग जो हैं वो इस बारे में जान सके। तो बात अगर करें कठोर सतह पर लिखने के क्या लाभ थे, देखो बहुत सारे लाभ थे इसके। कठोर सतह पर लिखवाने का सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि ये सालों साल चलेंगे, हज़ारों साल भी चल जाएंगे, नष्ट नहीं होंगे ये। दूसरा, ये कुछ इस तरह से लिखवाते थे कि जहाँ पर कोई भी इनको पढ़ सके, पब्लिक प्लेसेस पर ये बेसिकली होते थे जिससे कि कोई भी पढ़ सके। अब जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो वहाँ पर पब्लिक में रोड पर तो नहीं रख सकते, इनको हम बाहर ऐसे भी रख सकते हैं कि कोई भी आकर के इसको पढ़ पाए। उस समय के लिए तो लाभ था ही, बाकी के लिए भी जैसे आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको भी संदेश मिल सके, नष्ट ना हो संदेश जो भी दिया गया है, तो उसके भी फायदे थे। तो बेसिकली काफ़ी सारे फायदे थे इसके। तो एक इंस्क्रिप्शन और देख लेते हैं, ये यहाँ पर आप देख पाएंगे इसको। यहाँ पर देखो दो भाषाओं में लिखा हुआ है ये अभिलेख, एक आप ऊपर भाषा देख रहे होंगे, एक नीचे। तो ये वाले हिस्से में देख रहे होंगे एक अलग भाषा है और ये वाले हिस्से में एक अलग भाषा है। तो ये जो अभिलेख है ये बहुत पुराना अभिलेख है,
लगभग हम कहेंगे 2250 साल पहले का है ये। तो ये वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार में पाया गया था। अफगानिस्तान हमने देखा था, ये उत्तर पश्चिम इलाके में है उसके, भारत के लगभग नॉर्थ में ही है। तो ये जो है 2250 साल पहले का है, अफगानिस्तान के कंधार में ये पाया गया था। तो देखो ये पाए जाती है ना चीज़ें, ये आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट करते हैं, इनको खुदाई में ही मिलती हैं। तो ये जो मिली हैं ये बेसिकली, इनके बारे में ना आप अच्छे से हिस्ट्री के बारे में, मैंने आपको बताया था ना मूवीज़ वगैरह देखो, और जो मोहनजोदड़ो मूवी है ना उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे मोहनजोदड़ो मूवी में मैंने देखा था वहाँ पर मोहर का जिक्र हुआ है, और मोहर वो बार बार दिखाई भी गई है। तो वहाँ पर पूछा जाता कभी कभी मोहनजोदड़ो मतलब हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि वहाँ पर मोहर कैसे यूज़ की जाती थी। तो वहाँ पर चौकोर या फिर आयताकार मोहरा का प्रयोग होता था। तो मूवीज़ के जरिए बहुत सारी चीज़ें आपको याद रह जाएंगी। तो मूवीज़ वगैरह देखें जिसकी भी अवेलेबल है हिस्ट्री में। तो ये यहाँ पर जो पाया गया था अभिलेख, ये अशोक नामक शासक के आदेश पर अंकित किया गया था। जैसे कि हमने अभी पीछे बात करी है ना कि राजाओं के आदेश लिखे होते थे, तो वैसे ही ये अशोक का आदेश इस पर लिखा गया था। तो अगर हम बात करें लिपि की, तो जब हम कुछ भी लिखते हैं तो हम लिपि का यूज़ करते हैं। मान लो मैंने ये लिख दिया अभिलेख जो मैंने लिखा है ना हिंदी में, ये क्या है, एक लिपि है। तो हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो लिखने की लिपि होती है, और जो हम बोलते हैं बोलने की भाषा होती है। जब हम उसी लिपि को अगर हम बोलेंगे ना मुझसे, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, भाषा हो जाएगी। तो लिपियों में क्या होते हैं, अक्षर या संकेत होते हैं। ये अक्षर या संकेत ही तो हैं जो जिसके द्वारा मैंने ये लिखा है। तो लिपि जो होती है, जो हम लिखते हैं वो लिपि होती है, लेकिन जो हम बोलते हैं तो वो भाषा बन जाती है। तो बोलते हैं तो पढ़ते हैं, लिखा है या बोलते हैं तो एक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरामाइक दो भिन्न लिपियों और भाषाओं में है। तो आप देख सकते हैं, तो जो लिखा हुआ है उसको हम भाषा भी कहेंगे और लिपि भी कहेंगे, लेकिन लिपि को जो हम बोल रहे हैं उसको हम लिपि नहीं कह सकते। तो लिखा हुआ जो है वही लिपि है। तो ये दो लिपि में है कौन कौन सी, यूनानी और अरामाइक। पूछा जाता है कि अशोक ने जो है कौन सी भाषाओं में वो लिखवाए थे इंस्क्रिप्शन। अब ये दो सोर्सेज के अलावा, इंस्क्रिप्शन और मैनुस्क्रिप्ट के अलावा, और भी सोर्सेस हैं जो कि हम जिनके बारे में, इतिहास के बारे में जान सकते हैं जिनके थ्रू। तो ये कुछ वस्तुएं हो सकती हैं, जैसे कि ये पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष हो सकते हैं, पेंटिंग्स हो सकती है, मूर्तिकला हो सकती है जिसका के अध्ययन करके हम हिस्ट्री की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये उपकरण हो सकते हैं, हथियार हो सकते हैं, बर्तन हो सकते हैं, धूपदान हो सकते हैं, या फिर आभूषण हो सकते हैं। इन सब के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री का पता लगा सकते हैं कि उस टाइम पर किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती थी, क्या एक्टिविटी वो लोग करते थे। तो ये सब चीज़ें हमें कैसे मिलती हैं, जैसे कि ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, पुरातत्वविद जो होते हैं, ये इनकी खोजों से या फिर खुदाई से हमें मिलते हैं। खुदाई क्या होती है, पृथ्वी की सतह की जो हम खोदते हैं, मिट्टी जो निकालते हैं उसको कहते हैं। तो ये जो है, ये जो चीज़ें हमें मिलती हैं, कुछ लोग इनका अध्ययन करते हैं। तो जो इनका अध्ययन करते हैं वो कहलाते हैं क्या, पुरातत्वविद या फिर आर्कियोलॉजिस्ट। तो इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की, हड्डी की हो सकती हैं, मतलब हड्डी हो सकती है इनमें, पक्की मिट्टी हो सकती है या फिर धातु हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि हड्डियाँ मिलती हैं, तो हड्डियों के स्ट्रक्चर से ये पता लगाते हैं कि ये किसी मानव का कंकाल है या मानव की हड्डी है, जानवर की हड्डी है। तो बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि किस जगह पर कौन सा जानवर पाया जाता था और किस जगह पर कौन सी चीज़ें मिलती थी, क्या किस तरह की एक्टिविटीज़ होती थी। इन्हीं सब चीज़ों से पता लगाया जाता है। तो कुछ चीज़ें जो हैं कठोर या फिर अविनाशी चीज़ों पर से बनी होती है। अविनाशी मतलब जो आसानी से नहीं नष्ट होगी, तो कठोर जैसे पत्थर हो गया। तो ये बनी वस्तुएं आमतौर पर लंबे समय तक जीवित रहती हैं। तो जो कठोर चीज़ें होंगी वो लंबे टाइम तक चलेंगी, जैसे कि इंस्क्रिप्शन हमने देखा, तो वो पत्थर पर खुदा हुआ था, तो इंस्क्रिप्शन इसी वजह से सही सलामत आपको मिल जाएगा क्योंकि वो कठोर चीज़ पर लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी, ये भी हमें खुदाई में ही मिली हैं। तो इस तरह से इनका अध्ययन करके आर्कियोलॉजिस्ट पता करते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें रही होंगी पहले के टाइम में, क्या लोग यूज़ करते होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो बर्तन है ये आज का बर्तन नहीं है। ये पता है कब का बर्तन है, ये है 700 साल पहले का बर्तन है ये। तो इस तरह के बर्तनों का पहले इस्तेमाल किया जाता था। अब क्योंकि ये बर्तन मिला है, तो इसी आधार पर हमने समझ लिया कि इस तरह के बर्तन यूज़ होते होंगे जब ये वहाँ से मिला है। तो काफ़ी पुराना शहर है, उसका एक बर्तन है ये। और देखो आजकल तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जिससे कि स्टील के बर्तन बन जाते हैं, आपके पास प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, या फिर आपके पास पानी ढोने के लिए बाल्टियाँ होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज अवेलेबल हैं, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो पहले लोग मिट्टी के बर्तन का यूज़ करते थे, मिट्टी के बर्तन का सामान रखने के लिए, जो किचन का सामान होता है, दालें होती है, चावल होते हैं, तो उनको रखने के लिए पहले इस तरह के बर्तन का इस्तेमाल करते थे। और जैसे कि पानी भी अगर रखना है, भर के रखेंगे तो कुछ बर्तन चाहिए होगा,
तो उसके लिए भी इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह के बर्तनों का पहले इस्तेमाल होता था। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक चांदी का पुराना सिक्का। आज के सिक्के देखे हैं आपने कितने परफेक्ट शेप में बने होते हैं, और आजकल जो है एक तरह से नकली धातु के बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं। आजकल आपको तांबे के, चांदी के या फिर सोने के सिक्के नहीं मिलेंगे, लेकिन पुराने टाइम पर ये इसी तरह की धातु के मिलते थे। क्यों मिलते थे? क्योंकि इजीली अवेलेबल होती थी। अब आज के टाइम में ऐसे बेचते तो नहीं है ना, गहने नहीं बनवाते हैं इस तरह से। तो आजकल तो कम अवेलेबल है, मतलब अवेलेबल तो आज भी है, लेकिन उसके और भी यूज़ आ गए हैं धातु उन चीज़ों के, सोने चांदी के। आज उनके गहने बना करके पहनते हैं, लेकिन उस टाइम पर क्या उनका और कोई यूज़ नहीं था। तो जो सिक्के होते थे इन्हीं धातु के बने होते थे। और देखो ये इनकी शेप जो होती थी ना, ये भी परफेक्ट नहीं होती थी, कुछ इस तरह के बने होते थे, ऊबड़ खाबड़ शेप के, कैसी भी आकृति होती थी, इस तरह के सिक्के होते थे। तो ये जो सिक्के हैं लगभग आप देखेंगे 2500 साल पहले के पहले ये प्रचलन में होते थे। तो आज का अगर सिक्के से आप देखें, देखो क्वेश्चन भी दिया गया है, आज हम जिस सिक्के का इस्तेमाल करते हैं उससे ये सिक्का किस तरह से अलग है। तो आप देखो आपके पास कोई सिक्का अवेलेबल हो तो आप पाएंगे कितना डिफरेंस है ना। तो शेप इसकी मतलब परफेक्ट है, आज के सिक्के की शेप आपको परफेक्ट मिलेगी। दूसरा उस पर कुछ ना कुछ बना हुआ मिलेगा, ये खैर इस पर भी कुछ ना कुछ बना होता था उस टाइम पर, उस टाइम के शासकों की तस्वीरें होती थी पहले। आजकल जो हमारे यहाँ पर महान पुरुष हैं या महान इमारतें हैं उनके उनकी जो तस्वीर है उस पर बनी रहती है। तो कई सारे डिफरेंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। देखो आजकल मतलब आर्कियोलॉजिस्ट जो खोज करते हैं ना, उसमें वो बहुत सारी चीज़ों की खोज में लगे रहते हैं। किस 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 चीज़ की खोज करते हैं? जैसे कि वो जानवरों की हड्डियों की तलाश में रहते हैं, या फिर पक्षियों की हड्डियों की तलाश में रहते हैं, या फिर फिश तो खैर मतलब जिंदा तो नहीं मिलेगी, मतलब हड्डियाँ इन सभी की, जानवरों की हों या तो पक्षियों की हो या तो फिर फिश की हों। तो क्यों क्यों उनकी हड्डियों की तलाश करते हैं? क्योंकि जिससे पता लगाया जा सके कि ये लोग खाते क्या थे, ये लोग खाते क्या थे। जैसे कि आज तो हमें पता है हम क्या खाते हैं, लेकिन पहले के लोग क्या खाते थे उसका पता क्या क्या चलता है, इनको हड्डियों से पता चलता है। तो पौधे क्या है? अधिक दुर्लभ रूप से जीवित रहते हैं, यानी कि हम कहेंगे कि पौधे तो पहले के सही सलामत तो मिलेंगे नहीं आपको, या फिर कोई खाद्य सामग्री होगी वो तो पहले की नहीं रही होगी, क्योंकि आपको पता ही है ज़मीन में जा करके वो मिक्स हो जाती है, या फिर उसे पौधा बन जाएगा कोई बीज रहा होगा। तो अगर देखो ये जल गए हैं, मान लो गेहूं के बीज अगर जल गए हैं तो वो तो हमें एज इट इज़ उसी सिचुएशन में मिल जाएंगे, लेकिन अगर जले नहीं है तो उसका तो पौधा बन गया होगा। अगर वो सही सलामत रहे होंगे तो पौधा बन गया होगा, या तो फिर वैसे नष्ट हो गए होंगे। तो लकड़ी के टुकड़े जो हैं वो जल जाते हैं, तो जले हुए रूप में ये हमें मिल जाते हैं। तो अनाज के बीज या फिर लकड़ी के टुकड़े जो जल गए हैं वो हमें एज इट इज़ सिचुएशन में मिल जाएंगे, बाकी पौधे हमें नहीं मिल पाते हैं, पहले के पौधे नहीं मिल पाएंगे। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, पक्षियों की, जानवरों की या मछलियों की हड्डियों की तलाश करते हैं, जिससे कि उनका जो है स्टडी कर सकें कि वो क्या खाते थे। तो आपको क्या लगता है, ये जो पुरातत्वविद हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनको क्या कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? तो कपड़ों का भी हम ये देखें, देखो पहले सिंथेटिक फाइबर तो होते नहीं होंगे, सिंथेटिक फाइबर जो आज हैं वो तो बहुत टाइम तक चलते हैं, लेकिन जो नेचुरल फाइबर्स हैं, नेचुरल फाइबर्स तो आज तक नहीं बचेंगे, हज़ारों साल में तो नष्ट हो जाएंगे। जैसे कि भाई कपास, जो नेचुरल फाइबर है वो ज़्यादातर कपास यूज़ होता था पहले, तो कपास के तो आपने देखा है कपड़े जल्दी गल जाते हैं, तो वो तो ज़मीन में मिल गए होंगे। तो कपड़ों के अवशेष तो मिलना बहुत ही मतलब हम कहेंगे इम्पॉसिबल ही है। तो देखो और एक चीज़ देख लेते हैं, जो अतीत का अध्ययन करने वाले विद्वान होते हैं उनको हम कहते हैं क्या, इतिहासकार। तो इतिहासकार जो हैं पांडुलिपियों, शिलालेखों इसी को कहते हैं, जो इंस्क्रिप्शन होते हैं ना उसी को कहते हैं शिलालेख भी। और पुरातत्व से मिली जो जानकारी है ना, इसको देखो इसको संदर्भित करने के लिए अक्सर स्रोत शब्द का यूज़ करते हैं, यानी कि जिससे हमें हिस्ट्री का पता चलता है उसको हम क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं। यही इसी चीज़ की यहाँ पर बात हुई है, एक बार सोर्स मिल जाए, स्रोत मिल जाए, तो अतीत के बारे में सीखना जो है एक रोचक बन जाता है, इंटरेस्टिंग बन जाता है एक तरह से। तो पुरातत्व या फिर इतिहासकार, पुरातत्वविद या फिर इतिहासकार जो हैं ये एक तरह से डिटेक्टिव की तरह होते हैं, जासूस की तरह होते हैं। तो क्योंकि ये जो होते हैं, जो सोर्सेस मिलते हैं उनको एक क्लू की तरह लेते हैं, जैसे वो करते हैं डिटेक्टिव, फाइंड आउट करते हैं, अच्छा ये सुराग हमें मिल गया है, इससे पता लगाओ कि ये घटना जो है किस तरह से हुई, कैसे हुई। वैसे ही हिस्ट्री के बारे में ये लोग पता लगाते हैं कि
कि अच्छा ये जो बोन मिल गई है, हड्डी जो मिल गई है, ये किसकी रही होगी, कैसी रही होगी, किस जानवर की है, किस या फिर इंसान की है, या फिर ये मतलब कि कहाँ पर मिली है हमें, उसके अकॉर्डिंग ये पता लगाते हैं। अच्छा ये हड्डी यहाँ पर मिली है तो ये वाला जानवर ये लोग पालते होंगे उस समय पर। तो इस तरह से क्या करते हैं, जो इनको क्लू मिलते हैं उसके हिसाब से ये क्या करते हैं, अतीत के बारे में पता लगाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है डिफरेंट पास्ट, यानी कि वन पास्ट और मैनी। अतीत, अतीत की अगर बात करें तो अतीत एक नहीं होता है, अतीत अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह का होता है। अब जैसे जो कल की घटना है वो भी एक तरह से पास्ट हो गई या फिर हिस्ट्री बन गई, जो परसों की घटना हुई है वो भी एक तरह से हिस्ट्री बन गई, तो वो मेरे लिए जो हिस्ट्री हुई है घटना वो मेरे लिए अलग तरह की होगी, मेरा जो पास्ट होगा वो अलग रहा होगा, आपका जो पास्ट रहा होगा वो अलग रहा होगा। वैसे ही पुराने टाइम की बात करें तो जैसे जो राजा रानी होते थे उनके जो अतीत होते हैं, जो उनके पास्ट की घटनाएं होती थी वो अलग होती थी, या तो फिर जो सामान्य लोग होते थे उनकी लाइफ अलग होती थी, तो दोनों की लाइफ में काफ़ी डिफरेंस होता था। इसी तरह से हम कह सकते हैं जो अलग अलग तरह के लोग थे, अलग अलग तरह के ग्रुप थे, उन सब की जो हिस्ट्री है एक तरह से अलग होती है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि डिफरेंट पास्ट, यानी कि जो अलग अलग लोगों का जो अतीत रहा है, जो हिस्ट्री रही है, वो सबकी अलग अलग रही है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि चरवाहों या किसानों का अगर हम जीवन देखें तो ये अलग रहा होगा, किसान और चरवाहों का जीवन कैसा रहा होगा, खेती करी होगी उन्होंने, उसी से रिलेटेड उनका क्या रहा होगा, अतीत रहा होगा। इसके अलावा जो राजा रानी का अगर हम जीवन देखें तो वो कुछ अलग तरह का रहा होगा, उनके जीवन में युद्ध वगैरह जैसी घटनाएं होंगी, बड़ी बड़ी घटनाएं रही होंगी, तो दोनों का जीवन क्या रहा, भिन्न रहा। जैसे चरवाहों या किसानों का जो जीवन रहा वो राजा रानी के जीवन से भिन्न तरह का रहा। तो राजा जैसे युद्ध पर जाते थे, शिकार करने जाते थे, तो बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी उनके जीवन में। वैसे ही व्यापारियों की बात करें तो व्यापारी को जीवन शिल्पकारों के जीवन से भिन्न था। तो इस तरह से क्या होगा, हर किसी का जो पास्ट है वो अलग तरह का रहा होगा। इसीलिए हम कहते हैं एक पास्ट ना होकर के क्या अनेक पास्ट रहे हैं। तो साथ ही अगर हम आज की बात करें तो आज भी कुछ ऐसा ही है, जैसे लोगों ने देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रथाओं और रिवाजों का पालन किया, तो आजकल क्या है, हमें अलग अलग प्रैक्टिसेस लोगों की देखने को मिलती हैं, अलग अलग रीति रिवाज देखने को मिलते हैं। तो वो क्या है, वो अब आज के बाद जब वो चीज़ें याद की जाएंगी फ्यूचर में तो वो क्या बन जाएगी, वो पास्ट बन जाएंगी। तो हर किसी इंसान का अलग अलग पास्ट रहेगा। जैसे आज के टाइम में क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगर आप चले जाओ तो वहाँ पर रहने वाले जो ज़्यादातर लोग हैं वो मछली पकड़ने का काम करते हैं, शिकार करने का काम करते हैं, या फिर फॉरेस्ट जो गुड्स होते हैं उनको वो इकट्ठा करते हैं। तो आज भी वो वैसे ही लाइफ जी रहे हैं जैसे कि आदि टाइम में लोग जीते थे, तो उनकी लाइफ अलग है और आज जो हम लाइफ जी रहे हैं वो अलग लाइफ स्टाइल है। तो हमारा लाइफ स्टाइल अलग अलग है, हम सारी सुख सुविधाएँ आज भोग रहे हैं, लेकिन वो लोग आज भी वैसे ही लाइफ जी रहे हैं, तो उनका पास्ट क्या रहेगा, वो अलग रहेगा और हमारा पास्ट अलग रहेगा। तो इसका मतलब ये है पूरे टॉपिक का। आगे और देख लेते हैं, इसी क्रम में और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि शहरों में अगर देखें तो शहरों में रहने वाले लोग भोजन की आपूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों से वो भोजन लेते हैं, लेकिन जो गांव में रहते हैं वो कुछ इस तरह से गुजर बसर करते हैं, खुद से खेती करते हैं, खुद से ही वो भोजन प्रोड्यूस करते हैं। और जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हमने देखा, वो भी खुद से ही अपने भोजन का अरेंजमेंट करते हैं। इसके अलावा एक तरह का और अंतर है, जैसे कि हम राजाओं और उनके द्वारा लड़ी हुई अगर लड़ाइयों के बारे में बात करते हैं तो बहुत कुछ जानते हैं उनके बारे में। क्यों जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जीत का रिकॉर्ड रखा था। अब युद्ध करते थे, जीतते थे तो उनका रिकॉर्ड होता था, लेकिन अगर बात करें सामान्य लोगों की तो उनका जीवन कैसा होता था, शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, या फिर अदर एक्टिविटीज़ जो करते थे उनके कामों का क्या होता था, रिकॉर्ड नहीं होता था, जबकि राजा रानियों के कामों का रिकॉर्ड रहता था, तो उसके बारे में हम जान पाते हैं। तो जबकि पुरातत्व हमें उनके जीवन के बारे में पता लगाने में मदद करता है। तो अब जैसे जो जो भी चीज़ें मिलती हैं, हड्डियाँ मिलती हैं, कुछ साक्ष्य मिलते हैं, कुछ एविडेंस मिलते हैं, उसके थ्रू हमें पता चलता है, आर्कियोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि वहाँ का सामान्य जीवन ऐसा रहा होगा, उस टाइम का सामान्य जीवन ऐसा रहा होगा, सामान्य लोग ऐसे रहे होंगे। तो आर्कियोलॉजिस्ट हमें हेल्प करते हैं उनके जो अतीत है उनके पास को जानने में।
तो वहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अज्ञात रहती हैं, जो कि किसी को नहीं पता है। जो एविडेंस मिले हैं उनके आधार पर कुछ चीज़ें हमें पता चल पाती हैं, लेकिन सारी चीज़ें हम नहीं पता लगा सकते सिर्फ साक्ष्यों के आधार पर। तो बेसिकली ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट डू डेट्स मीन, तिथियों का क्या मतलब है। जो आज जो अब ईयर्स आप काउंट करते हैं, वो अगर आप ध्यान दें, जैसे कि ये साल 2022 चल रहा है। अब 2022 जो है ये कहाँ से आया इसका कॉन्सेप्ट। 2022 जो है ये लगभग जो 2000 साल है, ये हमने किसी को तो ज़ीरो माना होगा। जब ये 2022 साल हमें मिला है तो ज़ीरो हमने कौन सा साल माना होगा। तो ये जो ज़ीरो साल हमने माना, ये यहाँ से 2022 हो गया। अब जो ये ज़ीरो टाइम है, इसको हम मानते हैं क्या। यहाँ पर ये ज़ीरो हम मानते हैं बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट हैं जो कि क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, लोग क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं। ये उनके मतलब गॉड माने जाते हैं, तो ये उनके गॉड हैं। तो इनका जब जन्म हुआ था, तो उस टाइम से हम क्या इसको ज़ीरो को कंसिडर करते हैं। हम ज़ीरो से हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे हैं, ये हम ईयर काउंट करते रहे हैं, जैसे 1 2 3 इस तरह से ईयर काउंट करते करते हम आज पहुंच गए हैं कहाँ, 2022 में। तो हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं 2022 में। पीछे तो ये हम काउंट करेंगे तो कुछ इस तरह से काउंट करेंगे। और जो इधर का जो टाइम पीरियड होगा, ये हमारा होगा बिफोर क्राइस्ट। जो ईसा मसीह के जन्म के टाइम के पहले का टाइम होगा, ये होगा बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व, जो कि आप ज़्यादातर ईयर्स में देखते हैं। जो आपको जो सन ये दी हुई होती हैं, डेट्स दी हुई होती हैं, इनमें आप देखते होंगे। तो जो पहले का टाइम है बिफोर क्राइस्ट, यानी जीसस के बर्थ से पहले का टाइम, और जो इधर देखते हैं एडी, इसका मतलब होता है एनो डोमिनी। आफ्टर डेथ नहीं होता इसका मतलब, कुछ लोग आफ्टर डेथ पढ़ते हैं इसको। तो जीसस के बर्थ से हम काउंट करते हैं ना, कि जीसस की डेथ से। तो जीसस के बर्थ से अगर हम काउंट करते हैं, तो इधर चलते हैं हम इस तरह से। इसको हम दो नाम से पुकारते हैं, जैसे कि एनो डोमिनी या फिर एडी बोलते हैं, या तो फिर कहते हैं कॉमन एरा। कॉमन एरा भी इसको कहते हैं हम। और इसको भी हम दो नाम से पुकारते हैं, जैसे कि बीसी इसको कह देते हैं, बिफोर क्राइस्ट, या तो फिर बिफोर कॉमन एरा। तो इस तरह से हम ईयर का जो कैलकुलेशन है वो करते हैं। तो बीसी का मतलब तो वही है, बिफोर क्राइस्ट हो गया, यानी ईसा के जन्म से पहले का। और एडी हो गया एनो डोमनी, यानी कि ईसा के जन्म के बाद का समय। तो एनो डोमनी जो है इसका मतलब है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, तो यानी कि ईसा के जन्म के बाद का समय। तो 2012 या फिर 2022 जो है, अब जो साल चल रहा है 2022, 2022 को हम लिख सकते हैं एडी, एनो डोमनी। तो ईसा के जन्म के बाद के जो भी ईयर होंगे उनको हम एडी से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखेंगे। और पहले का जो टाइम होगा वो बीसी से। तो समटाइम्स सीई इज़ यूज्ड एडी, मतलब हम एडी भी यूज़ कर सकते हैं ईसा के जन्म के बाद के तिथियों को दिखाने के लिए, और हम इसमें सीई यानी कॉमन एरा भी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी बीसी और बीसीई में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं बिफोर क्राइस्ट वाला टाइम पीरियड दिखाने के लिए। तो इनकी फुल फॉर्म भी मैंने बता दी है, सीई मतलब कॉमन एरा, बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा। तो अब ये वाला जो कैलेंडर है, ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये दुनिया के अधिकांश देशों में ये उपयोग किया जाता है। हम कह सकते हैं यूनिवर्सल है ये एक तरह से। और हमने ये जो पद्धति है ये हमने कब अपनाई थी, ये हमने 200 साल पहले अपनाई थी, जब अंग्रेज आए थे ना, तो हमने तब से ये टाइम ऐसे अडॉप्ट किया था। तो बीपी यानी बिफोर प्रेजेंट का भी इस्तेमाल कभी कभी किया जाता है, कभी कभी टाइम को बताने के लिए। तो ये हो गया टॉपिक कंप्लीट। और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं आपके चैप्टर के लास्ट में, तो ये हमने पहले चैप्टर में भी डिस्कस करी है, तो ध्यान रखेंगे। जो बिगनिंग हुई थी एग्रीकल्चर की, शुरुआत जो हुई थी 8000 साल पहले हुई थी। पहले जो सिटीज़ शहर बने थे ये इंडस यानी सिंधु नदी के किनारे पर डेवलप हुए थे 4700 साल पहले। और जो गंगा घाटी में जो शहरों का जो डेवलपमेंट हुआ वो हुआ था 2500 साल पहले। और प्रेजेंट जो है वो है 2000 साल पहले। तो ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आने वाले वीडियो में
हम इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो कि सीटेट के एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। तो हिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं काफ़ी लंबे हैं, तो लंबा टाइम इनमें लगेगा। तो मैं अगर ज़्यादा लंबा चैप्टर रहेगा तो दो पार्ट्स में या तो फिर एक ही पार्ट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो बने रहिए चैनल पर और कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है या फिर कोई सजेशन है, जो भी है वो ज़रूर बताएं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग, स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।